इस कैमरे से सालों भर बात करता हूं अकेले गुड hmm? इवनिंग बच्चों। कैसे चल रही पढ़ाई आप लोग कीजिए uh, अगर बीच में किसी बच्चे ने कुछ बात करनी है कुछ सवाल पूछना है तो आप अपना हैंड रेज रखेंगे मैं के खुद आपका नाम पुकारूंगा फिर आप रिप्लाई करेंगे ठीक है ना तरह ऑडियो ऑन गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे कहा रहती हैं आप सर uh, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ एंड कैसी चल रही पढ़ाई आपकी सर ठीक चल रही है कोर्स कंप्लीट हो चुका है यस सर रिवीजन कर रही हैं हाँ सर रिवीजन कर रही कैसे रिवीजन कर रहे हो सर मैंने कोर्स कंप्लीट करा देन एक हंड्रेड परसेंट रिविजन करा फिर सेवेंटी फाइव परसेंट रिविजन करा सेकेंड नहीं रिविजन वो तो समझ गया समझ गया लेकिन रिवीजन कैसे कर रही है कौन से किसी को देख रिवीजन कर रही है मैंने मैं मार्ट यूज कर रही हूँ क्या यूज कर रही है स्टडी uh, मैट जो सर आपकी uh, institute... और लड़की जो मैंने YouTube पे इतने महीने से लगकर इतनी मेहनत करके नहीं, से, से, वो ए, तो... वो, वो किया नहीं कि नहीं सर वो भी करा इंडेक्स टूल्व का किया आपने इनकम टैक्स वाला यस सर यस सर क्योंकि इंडेक्स ट्वेल्व जब आप पढ़ते हो आपका स्टार्टिंग में होता है बहुत सारे नॉलेज नहीं मिल सकते हैं तो वो सब कुछ जो अब आपके क्लब्ड क्वेश्चन होते हैं आई ट्रैक मैराथन उसको पूरा कर लिया आपने ना सेक्शन yes, ए में सारे इंडेक्स मैंने कवर किए हैं एट वन जीरो एट वन वन थ्री वन वन फाइव को छोड़कर दो इंडेक्स छोटे हैं दो बड़े हैं वो आप इसको कर जाएंगे सेक्शन बी मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है मैराथन के रूप में सेक्शन सी जो है यानी कि इंडेक्स वन जीरो थ्री इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये ऑलरेडी पिछले वाले अटेम्प्ट में मैंने कवर किया हुआ है पिछले वाले बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग है बहुत हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया तो जरूर आप जो बच्चे सेक्शन सी यानी इंडेक्स वन जीरो सी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिविजन करना चाहते हैं तो पिछले बार वाले में देख लेंगे सेक्शन डी मैंने कंप्लीट करा दिया इंडेक्स हंड्रेड टेन हंड्रेड इलेवन ट्वेंटी एट बहुत अच्छी तरीके से पास फिर क्वेश्चन के साथ एक चीज आप लोगों ने अगर गौर किया होगा

मैं सच बता रहा हूं खासकर सी एफ आर में क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है देखो एक तो आप ना एग्जाम के टाइम पर ना दिमाग शांत नहीं रखते जो आपको रखना चाहिए कूल cool रहिए आप अच्छा पेपर आएगा इस बार अच्छा पेपर जाएगा और इंस्टीट्यूट में जितना मैंने पता किया है जितना मुझे पता चला उसके मुताबिक अच्छा रिजल्ट इस बार निकाला जाएगा यानी कि आप लोगों के पास होने के चांसेज भरपूर है इस बार है ना जितना डिमांड सप्लाई उसमें गैप आ चुका है तो उसको फिल करने के लिए इंस्टीट्यूट इस बार आपको पास करेगा और यहाँ पे जितने सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं वो सारे बच्चे पास करेंगे बशरते कि जो अगला पाँच छह दिन का टाइम बचा हुआ है उसको दिमाग कूल करते हुए उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए फास्ट ट्रैक से रिविजन कीजिए अभी जैसे अभी इंडेक्स 111 में जो मैंने अभी डाला ना आपका इस संडे को 111 एंड 28 में उसमें क्या क्या है दो तीन क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं अब पता नहीं आप लोग बदमाश बच्चे हो आप लोग उसको देखते भी नहीं हो इतने इतने मेहनत करने के बाद आप बिलीव करो इस बार इस सेशन में मैंने अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि इंटर लेवल में कुछ मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया मैंने पूरा टाइम डिवोट किया इस बार फाइनल वाले जो बच्चे हैं यानी कि आपके रिविजन के ऊपर में कैसे चीजों को मोल्ड किया जाए कैसे तोड़ा जाए क्या किया जाए अगर आप इसका फायदा अभी भी नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा तो मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके इंडेक्स हैं इन सबका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने रखा हुआ उसको आप रिवाइज कीजिए पेपर इस पर बहुत अच्छा आने वाला है मतलब पिछली बार क्या हुआ था ना कि पेपर मुझे पिछले बार का पेपर भी टफ नहीं लगा और शायद मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अगर मेरे मैराथन देखे हुए हैं तो मैं हर एक इंडेक्स में मैंने आपको दिखाया है कि एग्जाम में पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था और आपने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी ऑल ओवर इंडिया में पूरे बच्चों का यह मानना था कि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो आउट ऑफ ट्रैक दिया हुआ है आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है वो हमेशा ऐसा करते बट आपने अच्छे लेवल की पढ़ाई की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर भी जोर जबर जबरदस्ती करके इंस्टीट्यूट के पास हमने ये बात रखी कि आपने पेपर आउट ऑफ सिलेबस कैसे पूछ दिया अब देखो आउट ऑफ सिलेबस कुछ था नहीं मैं आपको बताऊं क्या इंडेक्स 110 में उन्होंने दो पॉइंट ऐड किए आपने सबने देखा जी 110 का आ, आ, फास्ट ट्रैक अरे बदमाशो 110 का फास्ट ट्रैक देखा आप लोगों ने अरे सर तो हिला सकते हो कम से कम सर हिला सकते हो यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हो 110 का जो फास्ट ट्रैक मैंने आपके लिए अपलोड किया उसको देखा आप लोगों ने ये तो पहला क्वेश्चन जो देखा देखा तो, हाँ मैं समझ गया आप सुनिए मेरी बात जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है उसमें आप देखो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है

ICI CE इंस्टीट्यूट है ना CE शुड नाम सुना CE शुड का वो भी नाम नहीं सुना आप लोगों ने अरे वो तो सुना होगा हम ICMI है एक और इंस्टीट्यूट होता है मार्केट में जिसको हम बोलते हैं ICI ICI के स्टडी मटेरियल का लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं आपको जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराया मैंने आप रिवीजन लेक्चर्स देखिए आपके 80 90% क्वेश्चन आप कर चुके हैं हमारा इंस्टीट्यूट तो बदमाश है वो कहता है कि हम को, क्यों ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे अपने स्टडी स्टडी मैट मैट में बट फिर भी आपके मैट के सारे क्वेश्चन वो सब कुछ कर चुके हैं तो आप बिल्कुल फील कीजिए बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है बहुत अच्छी तरीके से पास करने वाले हैं एंड साक्षी मैंने बता दिया बच्चे कि इस बार सी एम इंस्टीट्यूट आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है जो बच्चा ये पांच दिन छ दिन सात दिन अच्छे से रिवाइज कर लेगा वो समझो कि छह सात दिन के अंदर में वो अच्छा रिजल्ट लेकर आगे बढ़ सकता है और इस बार मौका है आपको अपने नाम के साथ मैं भूल गया क्या वर्ड जोड़ने का मन कर रहा है बच्चे आप लोगों को को एक वर्ड था ना जो लगत, मन करता है है कि उसको कम कम से तो जोड़ लूं मैं किसी को याद है, वो नाम क्या है जिसके लिए आप लड़ रहे हो देखो आगे नाम ये सीएम आप बिलीव करो एक ना एक आज एक्चुअली मैं आपको पढ़ाने तो आया नहीं एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहता हूं कि पता है जब तक ये नाम आपके नाम के साथ नहीं जुड़ा ना सीए में आपको इसकी ना अहमियत तो अभी पता नहीं चलेगी और अगर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता भी चलेगा तो दूसरे एंगल से जिस दिन ना आपके नाम के साथ ये तीन वर्ड जुड़ जाएंगे आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे और वहां पे जब आप अपना आप अपना काम करने का तरीका उनको दिखाएंगे अपने सोचने का तरीका दिखाएंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली में आपका क्या वैल्यू है आपकी क्या कीमत है इस डिग्री की आपको यह भी नहीं पता होगा मैं अब क्या बताऊं क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं मैं आपको बता देता हूं मैं तो मेम्बर हूं आपके इंस्टीट्यूट का अभी इंस्टीट्यूट अभी जितने भी मिनिस्ट्रीज है ना जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सारे मिनिस्ट्री की तरफ से हम सारे मेंबर के पास एक आपका मेल आया हुआ है कि जितने भी क्वालिफाइड सीएमए हैं अगर आप मिनिस्ट्री के अंदर में ये फील्ड्स हैं कई सारे फील्ड उन्होंने दिए हैं अगर आप यहां पे आप जॉब करना चाहते हैं इसमें आप चाहते हैं कि आप अपनी सर्विसेज दें तो प्लीज आप अप्लाई करें और उस 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 मेल के अंदर में कम से कम तेईस चौबीस मिनिस्ट्री का पूरा, पूरा लिस्ट है यानी कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर कोई आपका मिनिस्ट्री वाले आपको प्रोफाइल में जाना है तो भी आप ओपन हो रहे हैं अब यानी कि इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत कुछ काम कर रहा है बहुत काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बातें सुनकर आपको थोड़ा भी आपका मोटिवेशन ये कि नहीं यार इस बार नहीं अगली बार निकाल लेते हैं इसी बार निकालेंगे इसी बार काम करेंगे और मस्त तरीके से करेंगे बस एक ही चीज ध्यान रखना जितनी बातें बोल रहा हूं आपके मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं आपको स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए नहीं कि आज से छह दिन तक हमने कसम खा लिया सोऊंगा नहीं सोऊंगी नहीं मतलब बस पढ़ाई पढ़ाई पर ऐसा नहीं करना है आप ये छह सा दिन को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कीजिए स्ट्रेस को कम रखिए आप एग्जाम देने जाइए आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं मैं जानता हूं समझा मूल मैं क्या बोल रहा हूं अनमोल मेरी बात सुनना मैंने क्या बोला अनमोल सुना मेरी बात मैंने क्या बोला अनमोल को अनम्यूट कीजिए आप नहीं कर सकते बच्चे आप आप अपने को मेरे पास शक्ति आपको अब तो, आप बोलो अनमोल यस सर मैंने सुना आपकी बात तो आप कैसी प्रिपरेशन आपकी सर अच्छी चल रही है फास्ट ट्रैक नहीं देखा है ना सच से बताएगा नहीं देखा ना फास्ट ट्रैक नहीं सर नहीं देखा है बट है सर कब देखेगा आप एग्जाम के बाद नहीं सर अभी देखना एक एक फास्ट ट्रैक को आप फटाफट -फड़ रिवाइज करेंगे अगर आपको लगता है कि यार हमने इसको देखा हुआ है हम जानते हैं तो भी उसको फास्ट भी किया क्योंकि क्वेश्चन हंड्रेड इलेवन ट्वेंटी एट के अंदर में लास्ट में मैंने दो तीन क्वेश्चन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हटके ट्रैक से हटके हट कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वैसा क्वेश्चन बनाएगा गुडविल के अंदर में आपको मैंने एक आप लोग को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जब तक साफ साफ कुछ ना बताए गुडविल को वैल्यू करते समय जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करना है एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए ऑफ गुडविल मैंने बताया था कई तरीके से रिविजन लेक्चर इस बात को डाल दिया है क्लासेज अमेंड ना करके पूरा चेंज करके मैंने आप लोग को दे दिया है और ये सारी बातें तो उसको फॉलो करेंगे कुछ आप में से बदमाश बच्चे हैं डाउट सेशन टाइम पे पता फिर मैसेज क्या बोलते हैं कि सर फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी माइनस किया जाएगा अरे बदमाश प्रॉफिट जब बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो प्रॉफिट को निकालते समय इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा उसको हम दोबारा क्यों माइनस करेंगे झगड़ा आज तक प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को लेकर चल रहा था एग्जाम में कह देगा कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस हो चुका है तब तो ठीक है नहीं तो फिर क्या हम हमेशा मेहनत करेंगे जैसे क्लास में आपको बताया गया है इसमें किसी तरीके का दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए नहीं होने चाहिए एक इशिता नाम की बदमाश लड़की है जिसने अपना वीडियो ऑफ रखा हुआ है इशिता क्यों बदमाशी कर रही है एक मनोरंजन भी है जिसने अपना वीडियो ऑफ रखा हुआ है फिर किससे बात करू चलो फिर मैं भी अपना वीडियो ऑफ करता हूँ ऑडियो ऑन करता हूँ फिर बात करते हैं ठीक है इशिता बदमाशी नहीं करेगी वीडियो ऑन रखिए इंटरेक्शन कर रहे ना और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए एक मनोरंजन है प्रधान वो बदमाश है तो बहुत बड़ा बदमाश है, है? मनोरंजन तो इन सारी बातों को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे और अच्छे से एग्जाम दे देंगे सर एक दिन पहले वन डे पहले कैसे रिवीजन करें बहुत बेस्ट खुशी आपने अच्छा सवाल पूछा कि एक दिन कैसे जो फास्ट ट्रैक मैंने तैयार किया है ना फास्ट ट्रैक का जो नोट्स है ना हर एक लेक्चर में बोलता हूँ उन नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए अगर उन फास्ट ट्रैक के नोट्स से आपने रिवाइज कर लिया तो मुझे लगता है कि तीन साढ़े तीन घंटे में पूरे सी एफ आर का आपका रिविजन हो जाएगा पूरे सी एफ आर का और पूरे सी एफ आर का रिविजन करने के बाद फिर उसका उससे जब रिविजन कर लिए तो क्लास में जितने सारे क्वेश्चन सोल्व किए बस उसका पेज पलटो आप पेज पलटो पेज पलटो अच्छा इसका सोल्यूशन ऐसे इसका सोल्यूशन ऐसे यही रिविजन करना है ठीक है ध्रुव समझा मेरी बात यहाँ पे तो लास्ट डे तो ऐसे रिवीजन होता है एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं बिजनेस इंडिया पे ग्रिप नहीं बन रहा है क्यों नहीं बदमाश क्लास में भी दे दिया आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिए जितने कॉन्सेप्ट होते वो भी करा दिए जो कॉन्सेप्ट नहीं होते बोनस इश्यू वो भी कर दिया ताकि एग्जामिनर ने कहीं बदमाशी किया तो वो भी आपके पास आ जाए अब ग्रिप क्यों नहीं बनता हाँ जी अभी अग्रवाल

तो मैं इसमें बात कर रहा हूं सर ये जो सेवन क्वेश्चन हैं इसमें पर्टिकुलर जो सेवन नंबर का क्वेश्चन आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी उसमें आपके चैप्टर नंबर जो अपना अदर थ्योरी वाला चैप्टर है हाँ जी उस, उसी का मेन आता है सर मैंने देखा मैंने लिख के रखा हुआ है उसमें दो चैप्टर को भी आपकी मास्टरी करनी होगी जी एक आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग और एक रिसेंट ट्रेंड जो लास्ट के दो है ना exactly. हाँ। एक्टली तो सर मैंने ये चीज देखी कि दो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से चीज बता रहा हूं वो चीज़ मैंने देखा कि उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो ईवीए या वैल्यू एडिट स्टेटमेंट का उन्होंने डाला ही डाला है एक्चुअली पिछले अटेम्प्ट पे जो EVA का क्वेश्चन पूछा ना बच्चे वो तो उन्होंने बदमाशी की है वो क्वेश्चंस जो हमारे उसको टच भी नहीं करता वो बर्मा... मतलब हम लोग ने उस पॉइंट को रेज किया था उनके सामने

इसको अपन यही वाला पार्ट किया जाए या अपन क्योंकि कंप्लीट तो इसमें तीनों कर रखे जैसे हाँ जी हाँ जी तो आपकी मर्जी बच्चे आपकी मर्जी इतना देखो एक्चुअली होता क्या ना कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रिसेंट डेवलपमेंट जो है ये दो वो चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके फोर्टीन मार्क्स के हमेशा कम से कम पूछते ही पूछते जी आपको सी में पास करने के लिए ये एक्चुअली में दो चैप्टर्स आपको ऐसे दिए गए हैं कि बस आप पढ़ के चले जाओ हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से रट जाओ कुछ नहीं आता तो भी करते हैं और बाकी आपको से निकाल लेना है बीच के क्वेश्चन से निकालना है अब ईवीए का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने या थ्योरी के क्वेश्चन करना वो आपकी कॉल होगी कभी कभी क्या करते हैं वो ईवीए का बहुत ही गंदा क्वेश्चन डाल देते हैं सर उसमें बेसिकली तभी बोल रहा और उस लिवरेज के अंदर में आप जाओगे तो आपका आई थिंक uh, में आप क्या नाम है वो आपका एक और भी है ना सर uh, ये कॉस्ट इक्विटी डाल देते हैं तभी बोल रहा हूँ तो आप नया चीज पढ़ेंगे नहीं उन सब चक्कर में पढ़ना नहीं है क्योंकि अगर आप उस डेप्थ में जाएंगे तो आपने एस वीवी है ना वहां से कॉन्सेप्ट उठाते हैं जी. अब आपने एस वीवी अगर रटा हुआ है तब तो फिर काम खराब हो जाएगा तब वो क्वेश्चन दिक्कत आएगी

सर मतलब मैंने बहुत कोशिश करी मेरे से 115 नहीं हो पा रहा वो तो पांच क्लास का मैंने अच्छा है करके दिया हुआ है। आप था था मुझे कुछ अच्छे काम के लिए मैंने जैसे इनको एम टीपी को एनालाइज किया सर तो इसमें स्कैनर को भी मैंने प्रॉपर्टी थोरली देखा है तो वन वन फाइव में से क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं पहले लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे ना ऐसे छोड़ जब आप पढ़ चुके हैं तो फिर क्यों छोड़ेंगे आप एंड वन वन फाइव का एक मैं छोटा सा आपको हिंट दे दूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से कोई क्वेश्चन उठ के आएगा अब इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता तो बाकी आपको कोई भी चीज़ अभी इग्नोर नहीं करना है क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इंडेक्स वन के आप उनको कर जाइए शायद हो सकता है उसी में से कोई क्वेश्चन आपको डिटो दिख जाए आपको एग्जाम में तो मतलब अगर आपने नहीं पढ़ाया अब अभी तक नहीं पढ़ाया कि नहीं भी छोड़ दोगे तब तो नया चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता जितना पढ़ चुके उसी पे फोकस कीजिए बट अगर अगर, अगर 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 आप उसको पढ़ चुके हैं तो रिवीजन जो क्लास में जितने क्वेश्चन कराए हैं कॉन्सेप्ट कराया, है, कराया है, उसे आपको रिवीजन पूरा करके जाना चाहिए थीका। श्वेता आ रहा है किया हुआ है मेरा बट सेक्शन ए बहुत पहले हम रिवाइज किए थे और अभी सर उस उसपे ग्रैप अच्छा नहीं आ रहा कुछ, -कुछ, -कुछ तो सेक्शन ए जो, जो आपका फास्ट ट्रैक मैंने रखा उसे ना रिवाइज कर रही है सर वो भी तो काफी टाइम टेकन और एक दो खोले थे बट उसका नोट्स वगैरह ले लिए बट वही है अब क्या बात कर रही है सेक्शन ए के अंदर में एक तो पहले रिवीजन तो करना ही पड़ेगा उसके बिना काम चलना नहीं है और एग्जाम कब से आपका है 11 तारीख को है ना सत्रह तारीख को है 11 वही है दिसंबर। इलेवन से ना हाँ हाँ हा, हा। तो अभी चार से आपका ग्यारह द... कम से कम छह दिन सात दिन का टाइम है अगर आपने एक दिन पूरा का पूरा सी एफ आर सेक्शन ए पे दे दिया तो सेक्शन ए में आपका इंडेक्स ट्वेल्व सिक्सटीन वन वन सिक्स

इस बार बत्तीस से पैंतीस नंबर तक के क्वेश्चन बन सकते हैं okay. इसलिए सेक्शन ए को तो बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है कभी भी इग्नोर नहीं करना हर एक बार यही होता है बट इस बार बत्तीस से पैंतीस नंबर तक के क्वेश्चन बनेंगे इसलिए बदमाशी नहीं करना जरूर देख के जाना है अपने ठीक थीक थीक अभी थीक है अभी टाइम है अभी भी आगे प्लान करेंगे ना ठीक से चार ही पेपर देना है ना आपने हाँ तो आप आज की रात अभी छह बजे उठते ही आज का आज की रात कल का दिन लगा के आप खत्म कर देगी क्या कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा एग्जाम देने जाएगी मस्ती के साथ जाएगी सर okay, ठीक है एग्जाम में कुल रहना, रहना। थीक। थीक। बस इस बात को ध्यान रखना है ना कई सारे बच्चे बदमाशी करते हैं पता नहीं कितना कहाँ कहाँ का टेंशन पाल लेते हैं और फिर टेंशन में वो सब कुछ जानते हुए भी उल्टे सीधे काम करते हैं वो नहीं करना फिर ठीक रहता है है श्वेता मेरा सी में कितने मार्क्स थे कितने कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि कितना होगा आपका तो सर बहुत ही होगा कोई बात ही अरे नहीं बहुत क्या फॉर्मेट है डेढ़ सौ ही होगा सेवेंटी तो होगा ही मेरे नाइनटी मार्क्स थे <laughs> सी में नाइनटी एट और दो नंबर भी पता उन्होंने कहाँ काटा था फॉर्मेटिंग के अंदर में उन्होंने खुद मतलब जब हम लोगों ने देखा मैंने उसके ऊपर में कि क्यों दो नंबर काटा गया है तो दिखा कि मतलब वो एंड में होता है फॉर्मेट की आपने क्या क्या नरेशन नहीं दिया है जी वो तब होता है भाई तो इसलिए बात बताना चाहता हूं क्योंकि होता क्या ना जब आपके मार्क्स 90 प्लस आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में प्रोफेशनल कोर्स के अंदर में चाहे सी हो चाहे सीएमए हो तो फिर कॉपी वो जो एग्जामिनर री करता है क्योंकि 90 प्लस में देने के बाद ना उस पर एक बार दोबारा कहीं कोई बाद में चेकिंग न बैठ जाए कि कैसे मार्क्स दे दिया तो वो कोशिश करता है कि एक दो नंबर काट के उसको एटीज मिला दे अगर हंड्रेड मार्क्स आ रहा है तो बहुत बड़ा हमारे टाइम पे आज तो खैर कोई दिक्कत नहीं है आ, आ, सभी बच्चों के निकल के आते हैं लेकिन उस टाइप में हंड्रेड का मतलब कि भैया ये तो बहुत दिक्कत है तो तो वो वो क्या करते हैं कि वो मेरे, मेरा नरेशन आपने आपने लिखा लिखा जी नहीं उसमें करके उन्होंने दो तो नंबर काट दिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब एग्जाम देता था ना तो अभी जो आपको बता रहा हूं वही फॉलो करता था स्ट्रेस नहीं करना है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है हमेशा स्टेप मार्किंग होती है लोग कितने भी चिल्लाएंगे कुछ भी करेंगे

सर क्योंकि एक तो बहुत ग्रुप है हम्म तो लड़का रैंक लेना है तो थोड़ा वो डरना पड़ेगा डरने दो तो क्या दिक्कत है मुझे भी डर लगता था जब पेपर देने गया था तो आपको कितना डर लग रहा है सर मेरे को डर इसलिए लगा कि पेपर से एक दिन पहले और मेरे पे बस मुश्किल से मुश्किल छह घंटे या सात घंटे होंगे रिवाइज करने तो जितने बच्चे रैंक लेकर आते हैं सबके पास यही टाइम रहता है ऐसे ही होता है हमारे टाइम पे भी ऐसे था नहीं सर बस मेरे को ये जानना yes, है, yes, है कि कौन का पहले मेरी बात आपको टाइम है ना पता करना में क्या था 2006 में पता था? क्या था थर्ड ग्रुप मॉर्निंग में फोर्थ ग्रुप इवनिंग में एक yes, ही दिन छोटा पता पता yes, बच्चा है. रहा होगा मेरे टाइम पे या पे हो सकता है कि किसी दूसरे दुनिया में रहा होगा 2006 कब जन्म हुआ था आपका सर टू थाउजेंड थ्री अच्छा तब तो, तो, जन्म ले चुका था तो उस टाइम पे सोचो हम लोग कैसे मैनेज करते थे ये जो स्ट्रेस है आने दीजिए टेंशन थोड़ा बहुत होता होने दीजिए बट आपने दोनों ग्रुप की तैयारी की है तो नो डाउट कि पहले सब प्लान वे में बढ़ रहे होंगे प्रॉपर रिवीजन करके बढ़ रहे होंगे एक ही बात आप सारे बच्चे ध्यान रखना सुन लो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ये हमेशा होगा आप मान लो कोई पेपर का एग्जाम दे रहे हो और आपने क्या क्या ऐसा मान लो भगवान ना करे कि आपका क्या हो कि वो पेपर आपका खराब चल गया मान लो ऐसा होता है चलो एक पॉइंट लेके चलते हैं कि मैं ही एग्जाम देने जा रहा हूं और मेरा पेपर क्या हो कि खराब हो गया एक पेपर जिसमें कि कि लगा यार पता नहीं अब कितने आएंगे मतलब मैं बिल्कुल उसके आसपास चल रहा हूं तीस पैंतीस चालीस तीस पैंतीस चालीस तो जनरली बच्चा क्या होता है उसमें प्लस माइनस करने में उसमें इतना मार्क्स आएगा उसमें इतना मार्क्स आएगा अगले पेपर खराब कर देता है स्ट्रेस में आके वहीं पे हमें माइंड से टफ होना पड़ता है कि कोई बात नहीं जी इसका जो भी चीज हुआ हम अगले वाले पेपर में क्या करेंगे कवर अप करेंगे मार्क्स ज्यादा आ गया अच्छी बात है अक्सर देखा मैंने एक बार ना मैं अपने अपने टाइम की बात बता रहा हूं टैक्स का एक पेपर हुआ करता था हमारे ग्रुप टू में और आई में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मेरा पेपर खराब चला गया लेकिन ध्यान रखना मुझे था कि ये पेपर तो मतलब मेरा रुक ही जाएगा ये पेपर पास नहीं होने वाला हूं लेकिन उसके इफेक्ट में आगे के पेपर में नहीं आने दिया आगे के पेपर बिल्कुल माइंड टफ करके और कोई बात नहीं जी अगर फेल हो भी गया तो अगले में क्या होगा एग्जामेशन आ जाएगा उसको निकाल के मैं आगे उस पेपर को सिर्फ दे दूंगा और बिलीव कीजिए उस आईडीटी में मेरे फोर्टी थ्री मार्क्स आए थे जहां पर मैं सोच रहा था कि तीस से पैंतीस नंबर से ज्यादा नहीं आएगा वहां भी फोर्टी मार्क्स आ गया कई चीजें काम करती हैं आपका जो ये निशान है ना भाग्य का वो भी काम करता है उसके बाद आपका एग्जामिनर कौन कॉपी चेक कर रहा है कितना खुश है वो भी काम करता है हम के पास पास आते हैं कि भैया इतने बच्चों को पास करना है तो आपको ये करना होगा फिर उसके बाद जब लास्ट में जब रिजल्ट हमें इतना निकालना है इन तीन पेपर में बच्चे ने अच्छा मार्क्स लिया है एग्जामेशन ले रहा है फिफ्टी प्लस ले रहा है यहाँ पे थर्टी एट आ रहा है चल कोई बात नहीं दो मिनट दो नंबर बढ़ा दे इसका चालीस कर दो ये सब कुछ काम करता है आपको पास करने के लिए इसलिए एक पेपर का इफेक्ट आगे के पेपर में मत आने देना ये बहुत बड़ा मंत्र इस बात को आप ध्यान रखेंगे एक बच्चा बोला सेक्शन डी का डाउट है पूछना है मेरे बच्चे डाउट के लिए तो हमेशा बैठा रहता हूं डाउट सेशन टाइम पे उस टाइम पे पे पूछिए यहां डाउट्स के लिए नहीं बैठा मैं आपसे आया हूं बस बताने के लिए कि पेपर आपका एग्जाम में अच्छा जाने वाला है सेक्शन सी एंड डी नहीं हो पाया स्किप कर दो मेरे बच्चे अब अब जो हो गया है उसी पर काम करना पड़ेगा जो नहीं हुआ उसको अब टच करने का मतलब बनता नहीं है अगर सेक्शन सी डी नहीं हुआ है तो आपको जो लास्ट सेक्शन है थ्योरी वाला उस पर जबरदस्त कमांड करना पड़ेगा और ए बी एंड ई मतलब जो भी बाकी उसको अच्छी तरीके से करके जाइए सी और डी से होपफुली एक क्वेश्चन तो कंफर्म्ड होगा तो मान लो अगर चौदह या बीस नंबर तक का क्वेश्चन आ भी गया अगर तैयार नहीं हुए तो बाकी आपके एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनमें सब कर जाएंगे अब नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है जो पढ़ चुका एक बच्चा बदमाश है अमित नाम का वो कह रहा है कि सर इंडेक्स बता दीजिए ये ये पता नहीं ये गंदी आदत इसको कैसे लेकर फाइनल में आ चुका है ये।, ये कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं होता फाइनल में आपको सी एफ आर है बच्चे ये कोई फाउंडेशन नहीं है आपने जितना पढ़ाई किया है सब कुछ रिवाइज करके जाइए जो नहीं पढ़ा अब उसको छोड़ दीजिए उसको टच नहीं करना है हाँ जी सानिया बताइए बच्चे आपका ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन करा दी नया क्वेश्चन अब नहीं करा सकते बच्चे रिस्क में आपको नहीं डाल सकता जो पढ़ चुके वन फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बदमाश उसमें से मान लो पांच छह नंबर सात नंबर का आपको नहीं भी आता तो बाकी तो आता है वो तो करके आएगा कसम खा चुका क्या कि सौ में सौ लेकर आऊंगा सर जैसा मेरा भी सौ नहीं आया था रिजल्ट और मार्क्स मत सोचो बस अब लग जाओ जितना पढ़ चुके हो हमें एक ही चीज दिमाग में ध्यान रखना कि भैया चालीस आ जाए अगर ये लेके जाओगे दिमाग में स्ट्रेस कम रहेगा अपने आप 80 100 आते हैं लेकिन जो सोच के जाते हैं कि मुझे 100 में 100 आना उनका काम खराब हो जाता है डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट कि क्या होने वाला क्या होगा ठीक है बच्चे ठीक है लड़का তন্ময় साहू बताइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे मैं, आप, मैं आपके इसमें सेशन में सबसे एजिट स्टूडेंट हूं 51 इयर्स hmm. की हूं good. Uh, good.

तो सी जो आपका फास्ट ट्रैक सेशन मेरे को बहुत काम आया पहले क्लासेस से मैं सेक्शन ए कर दिया था अभी जो फास्ट ट्रैक से वो दोनों कर दिया है तो कॉन्फिडेंट अच्छा। तो हूँ बट वो वन वन जीरो को लेके थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम टेकिंग है थोड़ा अप्रोच बताएंगे सर कि इसको पहले किया जाए लास्ट में किया जाए क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने देखा उसमें से जरूर आता है देखो एक तो हमेशा आएगा और अब ना जो टाइम बचा उसमें पहले और बाद का कोई मतलब नहीं बनता इंडेस हंड्रेड का जो रिविजन एक्सरसाइडिंग चार घंटे का है आप उसको थोड़ा सा वन पॉइंट टू फाइव के स्पीड में है ठीक है ठीक है तो ये तो सवाल गलत है आप तो सी ऑलरेडी है और एग्जाम आपने कई बार दिया हुआ है तो आपको तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में पहले बात का कोई चक्कर ही नहीं होता पहले स्ट्रेटजी जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैं जानता हूं चाहे वो एक नंबर का हो चाहे तीन का चाहे दस का चाहे चौदह का पहले वो क्वेश्चन करूंगा जिनको मैं जानता हूं जिनको नहीं जानता या कम कॉन्फिडेंस है उन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा जी बाद में करूंगा करना है है ना टारगेट होना चाहिए कि करना है और दूसरा टारगेट कभी भी हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं होना चाहिए आप लोगों का टारगेट होना चाहिए जितना भी अटेम्प्ट स्टार्टिंग में करना होना वो दिव्यस्ट तरीके से करूं सही करने की कोशिश करूं ताकि एग्जामिनर जो कॉपी मेरा चेक करेगा वो अच्छा इंप्रेशन पहले बन जाए कि हाँ ये क्वेश्चन सब कुछ सही किया सही किया है तो पता क्या होता है जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं साइकोलॉजी हमारी कि जब स्टार्टिंग में चार पांच क्वेश्चन तीन क्वेश्चन देखता हूँ कि बच्चा सही किया सही किया सही किया और हमें आदत हो जाती है टिक मार्क करने की ठीक है ठीक है ठीक है तो लास्ट में थोड़ा सा कुछ गलत भी किया है ना तो हम उसको टिक करते हैं और थोड़ा कम मार्क्स देते बट देते जरूर है ये साइकोलॉजी है ये मेरा ही नहीं सभी का साथ यही चलता है तो आप कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में ऐसा नहीं सोचिए सब कुछ कीजिए इतना विश्वास रखना कि इंडेस हंड्रेड टेन का भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ कुछ भी नया चीज नहीं हो सकता ठीक है ना तो ये समझ ना मैंने क्या बोला आपका सीक्वेंस तय नहीं करना है एग्जाम में लिखा रहेगा कि गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द सीक्वेंस सीक्वेंस का मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि टू अगर कम आता है तो भी मैं पहले करूंगा नहीं जी पहले जिन क्वेश्चंस को आते हैं उनको सीक्वेंस में कीजिए जो क्वेश्चन नहीं आता जैसे वन ए अभी आता है एंड टू आता है थ्री आता है ए किया बी अभी नहीं किया टू किया Three किया अब सब कुछ जो मुझे आता पहले कर ये तरीका होता है सर एक और चीज आप क्लासेस में बोल रहे थे में जब हम करते हैं तो उसका रीजनिंग भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा अब तो, पड़े तो खत्म हो गया चक्कर इसका क्योंकि अब तो चुकी है जब ओ एम आर शीट आ चुका है तो आपको अब आप उसका एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता रफ right. वर्क में क्या करेंगे आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर उसका प्रॉपर आंसर निकाल के आपको वहां पे बस शीट में भरना है दूसरा फिर भी आप लोग क्या करना जो रीडिंग टाइम होगा उसमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे देख लेना कहीं ऐसा उन्होंने मैंशन ना कर दे कि एम का एक्सप्लेनेशन आपको देना है अपने जनरल सोल्यूशन बुक में ऐसे बोलेंगे नहीं पर फिर भी आप पढ़ लेना अदरवाइज अगर नहीं कुछ बोलते हैं तो आप रफ वर्क में क्या करेंगे उसका आंसर निकालेंगे एंड अब मजे की बात सुनो इस पर क्या आपको एक फायदा होने वाला इस शीट के आने से जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता ना उसका क्या करोगे तन में उनका भी हमें क्या करना है कि आंसर वहां पे कुछ तो भगवान का नाम लेना और जो भगवान जी बोलेंगे तो वहां पे डाल देना करके दो तीन क्वेश्चन भी सही हो गया तो छह नंबर मिल गए समझ रहे मेरी बात तो ये जो इनको मैंने मना किया था आप बिलीव नहीं आप मानोगे नहीं ये अभी जो मीटिंग हुई थी ना हम लोग की तो डिस्कशन हुआ था ओ एम आर शीट के रूप में तो मैं इसका अगेंस्ट था क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला मैंने कहा था कि आप एमसीक्यू जब पूछ रहे हो तो उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों से वहां पे मांगो ज्यादा मजा रहेगा दो नंबर दे रहे हो ना पता तो चले कि बच्चा दो नंबर कैसे लिया है तुक्का मार के लिया कि क्या पर उन्होंने दिखाना था मॉडर्न हूं मैं हमारा आईसी मॉडर्न होते चला जा रहा है ओ डालूंगा तो डालने दीजिए अच्छी बात है फिर उनको आप लोग के लिए मजा हो गया नहीं सर ये जो जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं जो प्रैक्टिकल इवाल भी हैं तो आपको जरूर पता होगा स्टेप मार्किंग होता है कि होता बच्चे, बच्चे मैं 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 तो हमेशा करता हूँ इवन इंस्टीट्यूट से कभी कभी स्ट्रिक्टली आता है कि भैया रिजल्ट कम करना है तब भी मैं क्या करता हूँ स्टेप मार्किंग करता हूँ क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपने एक्चुअली मेहनत किया उतना तक सही करने के लिए और मैं आपको बता दू नाइन्टी परसेंट जो फैकल्टीज होते हैं ना स्टेप मार्किंग करते नाइनटी परसेंट वो टेन परसेंट या दो चार परसेंट वाले बदमाश लोग होते हैं घर से झगड़ा करके आते हैं उनको कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद कॉपी चेक नहीं करते किसी को दे देते कि भैया तुम कर दो तो वहां पे थोड़ा लक आपका खराब हो जाता फिर वो दिक्कतें आती है फिर उन्हीं का वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर देखते हो कि क्या क्या होता है बट नाइनटी केस में स्टेप मार्किंग होती है थैंक यू सो मच सर हाँ जी ऋषभ हेलो हाँ जी ऋषभ बताइए ऋषभ एक मिनट एक रश्मिका नाम की बच्ची है वो कह रही है कि सेक्शन डी रिवीजन वीडियो काफी है क्या सर अरे रिवीजन वीडियो है उससे कॉन्सेप्ट कैसे खत्म होगा बच्चे रिवीजन वीडियो रिवीजन करने के लिए होता है कॉन्सेप्ट आपको रेगुलर क्लास में जो दिया गया उसको पढ़ना है अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे हिसाब से आप सेक्शन सी डी थोड़ा ट्रिकी है टिपिकल है आप रिवीजन वीडियो से पढ़ भी नहीं सकते वो सिर्फ रिवीजन में हेल्प करेगा आपको हाँ जी एक मिनट एक मिनट ऋषभ आ रहा हूँ एक बदमाश बच्ची है खुशी आ, वो कह रही है कि एग्जाम के में क्या फ्लिप शेड्यूल रखना सही होगा एग्जाम में सोएगी खुशी कौन है आ रहा हूँ ऋषभ दो मिनट रुक जा बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सर खुशी कौन है खुशी कौन है एक बार आप ऑडियो ऑन कीजिए ये सोने के बाद कहाँ से आगे बदमाश हाँ जी खुशी जैन ऑडियो ऑन कीजिए खुशी जैन कहाँ गई Yes, sir, yes, sir. हाँ बच्चे क्या बोल रहे नहीं कहा सोना चाहती है अभी नहीं सर मतलब कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक दस से एक तो पेपर होता है अब हुँ. कभी कभी बच्चे बहुत लेट तक पढ़ते हैं उसका इफेक्ट नेक्स्ट पेपर पे भी आ सकता है तो इस तरह कितने बजे से कितने बजे तक सोना बेटर होता है एक तो पहले खुशी आप एक, एक, एक खुशी की बात बताऊं मैं आपको खुशी आप सीएमए फाउंडेशन भी पास कर चुकी है इंटर वन <laughs> पास कर चुकी है इंटर टू पास कर चुकी है का तब तो और अच्छी बात है लेकिन आपको मैं आप एक बात बता दूं कि मैं जो काम करता था ना ये हर एक अपना अपना रूटीन होता अपना अपना तरीका होता है मैंने कभी भी एग्जाम के टाइम पे इतना स्ट्रेस नहीं लिया कि मुझे नींद नहीं आए नींद में भरपूर लेता था एग्जाम के दिन भी मैं छह से सात घंटे सोता था सुबह सुबह मैं क्या करता था कि जैसे रात को मान लो ग्यारह बजे तक सो गया सुबह में पांच बजे उठ गया आप पांच बजे नहीं उठ के चार बजे उठ जाइए और फिर उसका क्या कीजिए बट नींद पूरा लीजिए स्ट्रेस को बिल्कुल अब तो ऐसे पांच छह दिन पेपर देते तो अपने आप स्ट्रेस खत्म हो जाता है बट स्ट्रेस खत्म करके आपके पास कम से कम कम से कम भी पांच से छह घंटे की नींद तो प्रॉपर आपको लेना ही लेना है

मतलब हमेशा क्लास में भी आप लोगों को बोला हुआ है रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दो आगे क्या होगा जो अब आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के काम खराब होगा अभी भी जो पांच से छह दिन का टाइम बचा हुआ है ना इसको प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए एक ही चीज दिमाग में रखो पास हो गई तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं अगली बार एग्जाम दे ले दू लेकिन इतना भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेंगे कि जो चीज मुझे अच्छी तरीके से आता है उसमें भी मेरी एफिशेंसी खराब हो जाए आप टेंशन जितना लोगे उससे क्या होगा फायदा कुछ नहीं होना सिर्फ घाटा ही घाटा होने वाला है तो फिर टेंशन क्यों लेंगे जी आप कूल दिमाग को शांत करके अच्छे से रिवीजन कीजिए जो बच्चा दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहा है कोर्स आप खत्म कर रिवीजन में थोड़ा सा डिले हो गया कुछ भी डिले नहीं हुआ अभी भी काफी टाइम है पेपर मैं बता दूं इस बार अच्छा पेपर बन रहा है बहुत सारे बच्चों को पास करने का इंस्टीट्यूट ने टारगेट रखा हुआ है बाद में कुछ चेंज हो जाए मुझे नहीं पता लेकिन लास्ट मीटिंग की बात ऐसे हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि लास्ट मीटिंग में जो बात हुई उसके मुताबिक जितनी कंपनियां इस पर प्लेसमेंट में आ रही हैं उसके मुताबिक हमें रिजल्ट निकालने हैं बच्चों को आगे करने हैं और उस आगे करने के लिए अच्छा रिजल्ट निकाला जाएगा जो लास्ट टाइम हुआ उसके मुताबिक तो आपके पास अच्छा चांस है इस पर पास करने का कूल दिमाग कीजिए शांत दिमाग कीजिए एक्सपेक्टेशन लो रखिए एफिशिएंसी अपने आप आई होगी और अच्छे से आप पास करेंगे ठीक है बच्चे ओके सर हाँ जी ऋषभ सर एक चीज पूछनी थी कि मतलब एक बार सब पढ़ लिया मतलब सब सही से हो गया लेकिन जब उसे लिखने की बारी आती है ना सर तो मुझे पता है कैसे करना है लेकिन वो एक जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं बन पाती जैसे जो टेबल्स है और वो तो वैसे तो मेरे को पता हाँ ये निकलेगा ये निकलेगा ये निकलेगा तो सर एग्जाम में कहीं उसका नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं पड़ता ना कि नहीं में कुछ में नहीं ऐसा पड़ता ऐसा नहीं पड़ा कि प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं थ्योरी की बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल सर थ्योरी तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं वो तो आप कुछ भी नहीं है आपको एग्जाम में एक तो जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को नहीं देखता आपको जो पहले दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये निकालना अब जैसे फॉर सौ 110 की बात करता हूं मुझे मन करा पहले दीजिए मन करता है तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं देखते बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ऐसी प्रेजेंटेशन होना चाहिए बिल्कुल नहीं आपकी अपनी कॉल होती है नहीं जैसे मतलब इंडेज भी सर सॉल्व कर रहे होता है ना जल्दी जल्दी में मतलब एक प्रॉपर वे नहीं आ पाती तो वो नेगलिजिबल होता है ना इतना कोई दिक्कत तो नहीं आती कोई नहीं, से नहीं से देखता बदमाश इतना देखूंगा फिर तो आपसे दुश्मनी मेरी हो जाएगी इतना क्या देखना मुझे ये सब कुछ नहीं।, नहीं देखते हैं आप वो बस पेपर सॉल्व करके आइए जितना कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से उतना मजा आएगा हाँ जी सानिया बताइए बच्चे सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए अभी बच्चे एक तो मैं भी टाइम नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि कल से मुझे लगना है ड्यूटी पे आपके पेपर बनाने के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं इंस्टीट्यूट की तरफ है और दूसरा अब आपको भी नया चीज पे नहीं पढ़ना चाहिए अभी बताया जितने पेपर पढ़ चुके हैं जितना क्वेश्चन कर चुके हैं उसी पे फोकस कीजिए उनसे ही क्वेश्चन आएगा सर एमसीक्यू सी दीजिए थोड़े से कुछ सीरीज एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है आप देखेंगे मेरे जितने भी फास्ट ट्रैक है उन सब में आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेड का एमसीक्यू करा दिया है क्लास में करा दिया है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जा रहे हैं एमसीक्यू आपका कोई अलग से नहीं बनता उस पर आप दिमाग में फोबिया कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कीजिए हर एक एमसीक्यू आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं कोई भी ने? ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा जो ने? आप नहीं जानते पहले से सर कुछ अलग से पूछ देते हैं तो वो समझ में नहीं आता है तो एक दो क्वेश्चन को आपको आप सी एफ आर के पेपर में बहुत वास्ट सिलेबस से एक दो क्वेश्चन को दिमाग से आपको आउट लेके चलना पड़ेगा कि चलो नहीं आता कोई बात नहीं बट बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको आते हैं उन पे फोकस कीजिए अभी के टाइम पे एक चीज पे फोकस करना शुरू करेंगे बाकी का टाइम आपका किल होगा जो बिल्कुल नहीं चाहता मैं ठीक है ना आस्था सर अभी पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए रिवीजन करके सिर्फ कोई क्वेश्चन राइट करना या ऐसा करना चाहिए बच्चे अभी के टाइम पे तो आपको रिवीजन करना है तो मतलब अगर आप एक दिन पूरा टाइम दे रहे हैं तो मेरे हिसाब किसी पे अगर फॉर्मेट पे हाथ बैठाना है तो कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन क्या कीजिए सिंपल क्वेश्चन टफ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना आप उसको फॉर्मेट पे हाथ बैठा लो कि इसका फॉर्मेट ऐसे होगा एनसीआई से निकलता है गुडविल ऐसे निकलता है सब कुछ हो गया फिर बस पेज पलटना आपने फास्ट ट्रैक को देखिए उसको देखिए उसी से आपको सब कुछ रिविजन हो जाएगा बहुत बेस्ट तरीके से आपके लिए तैयार किया मैंने और फास्ट ट्रैक को देखने के बाद भी कोशिश कीजिए कि जो रेगुलर क्लास में क्वेश्चन आपने सोल्व किया ना बस अच्छा इसका ट्रीटमेंट सर ने ऐसे कराया इसका ट्रीटमेंट ऐसे कराया बहुत अच्छी तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा वैसे तो सर मैंने ऐसे ही रिविजन किया है कि आपने जो क्वेश्चन बुक में से देखती हूँ हाँ, क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने ऐसे कराया है और पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अब तो टाइम ही नहीं बदमाश क्यों टाइम वेस्ट करेगा अभी आप तो मैक्सिमम जितना भी अभी नया चीज कुछ टच नहीं करना जितना पढ़ चुके हैं उनके सारे पॉइंट्स को देखिए थ्योरी को आप रिकॉल कीजिए थ्योरी में भी लिख के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहा हर एक थ्योरी का जब क्वेश्चन कोई जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग है रिसेंट ट्रेंड है तो हर एक टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या कीजिए अपना रफ शीट में बस उसको लिखना शुरू कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया तो ये पॉइंट्स तो मैं डालूंगा डालूंगा ये पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा ही करूंगा सिर्फ वो पूरा सेंटेंस का टाइम नहीं है सर ट्रैक बुक है क्या नहीं बच्चे फास्ट ट्रैक तो अभी रिवीजन रिविजन रिकॉर्ड किया उसको बुक की क्या जरूरत है उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया हुआ है आप उससे देखेंगे एमसीक्यू एमसीक्यू पे कितना टाइम डिवोट करना चाहिए आरती ऐसा कुछ भी नई रीजन है बच्चे एमसीक्यू जो आएंगे आपके पंद्रह क्वेश्चन आएंगे जहां तक अब मुझे पता है उसमें से सात या आठ प्रैक्टिकल होंगे बाकी थ्योरी वाले होंगे तो आपको क्या करना है कि उसमें जो आप कीजिए मतलब एंड ऑफ टाइम है सवा तीन घंटे का टाइम मिल रहा आपको तीन घंटे पंद्रह मिनट रीडिंग टाइम एंड ऑफ टाइम होगा क्वेश्चन को पूरा करने का तो आप ये टाइम देखें कि हमें दो मिनट में, में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो गलत हो जाएगा आपका माइंड का भी स्ट्रेस क्रिएट होगा जो आता है करते चलिए जितना कीजिए कोशिश कीजिए कि पहले अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको आता है ना और कुछ भी नहीं नहीं सर मुझे ये बोल ये बोलना था कि सपोज हम करते करते बीच में अटक जाते हैं तो हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए या उसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए? एमसीक्यू की बात कर रहे हैं आप हाँ जी हाँ जी अगले पे जाएंगे बदमाश आपके पास अगर पंद्रह एमसीक्यू हैं उसमें से आठ आपको आते हैं छ आठ या को पहले कीजिए बाकी को हमें टच नहीं करना फिर सेक्शन बी में जो जो आता है उनको करते चलिए लास्ट में जब टाइम बचेगा तो लास्ट के टाइम में जो भी एमसीक्यू छोड़ चुके हैं आप उनमें दिमाग नहीं लग रहा है तो कुछ भी आप टिकमा करके आ जाइए बट एमसी को बिना टिकमा किए छोड़ना नहीं क्योंकि तुक्का भी लग गया तो मार्क्स ठीक है ना पहले हमेशा टारगेट हमारा होता है कि सही जितने हमें क्वेश्चन आते हैं उनको मैं सॉल्व कर लूं ठीक है एक बच्चे एक बच्चा अरि, अरिंदम देव अरिंदम देव अरिंदम हेलो हाँ जी बच्चे बताइए सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बताइए लास्ट दो, दो टर्म से देख रहा हूँ सेक्शन से जो सी और डी है सी डी चारों सेक्शन से लगभग फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव मार्क्स का आ रहा है इसलिए हाँ मैंने सर पहला डिवीजन स्टार्ट किया सेक्शन हंड्रेड तीन और एक दस ठीक है चौदह चौदह अट्ठाईस मार्क का हर टर्म में दो टर्म में लगातार आ रहा है हु. तो इस बार कोई चांस को, तो है एक सौ तीन सौ तीन सर आपने खुद ही बताया ही सर पांच पांच को नंबर का खड़ा कर सकता है क्वेश्चन इतना इतना फास्ट इसलिए मैंने सर एक सौ तीन और एक सौ दस में पहला कमांड किया तो कोई चांस है सर एक सौ तीन से एक से, से दो क्वेश्चन आने का दो सौ चौदह मार्ग बच्चे सी और डी से इस बार बीस से पच्चीस आप देख सकते हैं ठीक है ना तो 20 से पच्ची हाँ बीस से पच्चीस तक का इसलिए मैं बता रहा आपको ज्यादा कमांड सिर्फ इस पे नहीं करना सब पे करना बीस पच्चीस होगा बदमाश पढ़ना <laughs> सब कुछ आपको है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन सी और डी से 20 से पच्चीस नंबर क्वेश्चन बनने के चांसेस इस बार हैं मेरे वर्ड्स को बिल्कुल आप यही मत सोचना कि जो सत्य सच बोल रहे सच बोल रहे वही सत्य होगा बट इसके 99 परसेंट पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते हैं कैसा पेपर आपको दिखेगा ओके okay, सर और एक सवाल है इस बार तो एमसीक्यू तो आ, क्या बोलते तो उसको एमसीक्यू तो हमारे रीजन तो देना नहीं है नहीं। अब जो रीजन, के लिए जो रापशीट यूज करे वो क्या कहाँ से यूज करे वो क्या पेज पेज का पीछे पहला पीछे पेज भी पेज, पेज रहेगा पीछे के लाफ के एक दो पेज यूज कीजिए अगर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है क्योंकि सर इंस्ट्रक्शन ये दिया है थर्ड नंबर पेज से पूरा स्टार्ट करने का एग्जाम जो रिमेनिंग सेवेंटी मार्क्स का ठीक है इसलिए अरे मैं लाफ का पेपर बदमाश लाफ का एक दो पेज ले लो रफ लिख दो बस ऊपर लिख देना कि रफ वर्क ऊपर में कोई दिक्कत okay, नहीं ओके, किसी कीमत नहीं है कि आपको मना कर दे करने के लिए ओके, okay, तो सर, ओके, मेरे दो क्वेश्चन है सर एक तो साइकोलॉजिकल बेस्ड है तो मैं पहले वही पूछ लेता हूँ Hmm. सर एक्चुअली मेरी एनर्जी भी महाभारत के कर्ण जैसी है सर मैं hmm. पिछले तीन महीने से लाइब्रेरी आ रहा हूँ सर मैंने hmm. सारा सात आठ आठ घंटे पढ़ाई करूँ बहुत दुक है सर, मेरा. Hmm. एनर्जी सर एकदम हाई थी बूस्ट था और जब आपकी क्लासेस मैंने परचेज की थी तो सर एफ में ये था कि यही मेरा ग्रंथ है ना मुझे hmm. स्कैंडल देखनी है ना मैं आर टी कुछ भी देखना मुझे तो यही है hmm. और जो कि आपने बोला है कि सर मैं उस बुक को दो बार पढ़ चुका हूँ थर्ड टाइम पे मेरा ऐसा चल रहा है जैसे कि आपने लेटेस्ट उसमें बोला था कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हुए हैं उसको देखना है

और बहुत एफर्ट के साथ लगाते हो तो एक पीरियड ऐसा आता है कि वो हम थोड़े ढीले हो जाते हैं एग्जाम आते आते दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो नॉर्मल है सबके साथ होता है मेरे तो साथ, साथ भी होता, तो होता तो है तो अब एक, एक बात बिलीव करोगे मैं जब मैं अपने एग्जाम के टाइम पे जब जाता था तो एक्चुअली मैं मुझे आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ बहुत सारी बातें बहुत मैं कभी भी वो स्टडी नहीं किया एग्जाम के टाइम पे स्टडी कर रहा मैं हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करता था तो मैंने भी देखा कि एग्जाम जब आता ना उस टाइम पे तो थोड़ी से एनर्जी लो हो जाती है थोड़ा सा थोड़ा दिमाग बहुत हल्का सा हो जाता है कि यार पता नहीं अब क्या करूं ये तो वो नॉर्मल है कोई बड़ी बात नहीं है होती है ना जो पहले जो मेरी थी कि करना है वो, अब वो ना आप उसको छोड़ने लगते हो जैसे जैसे होता है ह्यूमन नेचर बच्चे आप कोई भी चीज कंसिस्टेंटली कितना कर सकते हो कितना कर सकते हो बताओ या तो अपने आप को खींचोगे आप या फिर एक होगा एंजॉय करते हुए काम करने के लिए तो आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है उतना मत सोचिए अब हाँ जो अब जो चार पांच दिन का जो समय है ना देखो एक बच्चे और ध्रुव ध्रुस्त भी कह रहा है कि सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है वो नॉर्मल है कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो किसी का कुछ माइंड है किसी के कुछ माइंड है लोग तो बीच में ढीले हो जाते हैं कुछ आपका पुराने बट आप, आपने पूरे तीन महीने जो स्टडी किया है ना वो काफी स्टडी हो चुका है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ ये जो अब पांच छह दिन का जो समय बचा हुआ है इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको यूज करना है

ट्रीटमेंट वगैरह भी चल रहा मतलब तो थोड़ी सीवियर लेवल पे हो गई थी सर ओवर थिंकिंग से रिलेटेड सर एक्चुअली मैं सोचता तो हूँ ये चीज क्या कि कभी भी हम गाड़ी भी चलाते हैं तो एक डेयर डाउन करते फिर जब स्पीड करते तो हम दो तीन चार लेते exactly. हैं लेकिन सर वो चीज होती है लेकिन अब फिर क्या होता है ना कि जो नेगेटिव थॉट्स इतने इतनेवी हो जाते हैं ना कि आप कितना भी ट्राई करो अब वो मेरे साथ एफआर में वो हो रहा है सर आप बिलीव नहीं करोगे एफआर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था क्लास देख नहीं, नहीं। ये था कि एफआर मेरा फेवरेट है मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर एग्जाम का नहीं पता इंटरव्यू में अभी बिठा दू, मैं सारे आंसर्स कर लेकिन अब सर चीज ये हो रही है ना कि इतना डर आ चुका है ना कि वो मतलब पढ़ाई की दिमाग में क्या रहा है रुद्राक्ष बच्चों के दिमाग में चलता होगा यही तो रीजन है देखो आप क्या करते हो आपके पास आपको पता है आपका जो माइंड है इस माइंड के अंदर में इस इस, इस दिमाग दिमाग के अंदर में एक आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड कुछ लोग सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तो जब आपका क्या होता है ना कि एग्जाम जब जब कोई प्रेशर आता है ना दिमाग में मतलब कोई एग्जाम आ गया कभी इंटरव्यू में जा रहे हो चाहे कोई मान लो घर में आपका है जो कभी मान लो कि डिले हो रहा है घर में आने से तो वो माइंड ना एक्टिव हो जाता है फिर वो क्या करता है वो कभी पॉजिटिव नहीं सोचता रहा हमेशा निगेटिव सोचता है वो हमेशा सोया रहेगा वो कब कब जगता है जब आप स्ट्रेस में आओगे जब आप टेंशन में आओगे कभी कुछ चीजों का जवाब नहीं मिल रहा है तो वो सवाल करना शुरू करता है वो पता है क्या बोलेगा अरे कहीं एग्जाम देने गए और जो आपने पढ़ा है वो ना आके कुछ और आ गया तो क्या करोगे एग्जैक्टली exactly, सर फिर वो बोलेगा आप बोलेगा ना 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 मैं तो जो पढ़ गया बहुत सब कुछ पढ़ लिया जी सब कुछ मेरा ठीक है तो वो बोलेगा अगर आ गया तो फिर क्या करोगे फिर आप बोलते ना 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 हो ही नहीं सकता वो बोलेगा आ गया तो फिर क्या करोगे तो फिर होता क्या है ना कि आपका जो पॉजिटिव माइंड है ना जो आपके कंट्रोल में है आप उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हो और इसके चलते क्या होता है कि अब वो जितना सवाल जवाब करोगे ना वो आपके हावी होना शुरू हो जाता है और फिर आपके माइंड को कंट्रोल कर देता है फिर आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ ना ऐसे टाइम पे बच्चे आप उसका जवाब देना बंद कर दो वो पूछेगा माइंड आपका बोलेगा अरे कहीं कैलकुलेशन गलत तो हो गया तो क्या होगा ठीक है जो होगा देख लेंगे होने दो दिमाग शांत कर दो उसको ऊपर में आपका और वो पता कब होगा जब आपके एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आपने क्या किया बिल्कुल माइंड से निकाल दिया मैं बार बार इसलिए कहता हूं आप लोगों को वीडियो में क्लास के अंदर में भी कि ज्यादा मत सोचो फ्यूचर के बारे में रैंक लाना है इतने मार्क्स लाने हैं बिल्कुल नहीं सोचना है आप बेस्ट तैयार होने के लिए स्टार्ट करोगे ना कि मुझे बेस्ट तैयार होना है ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी कॉन्टिन्यूअस आपको एक रूम में बैठ के आप बोलते हो कि लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ रूम में बैठ के कॉन्टिन्यूस स्टडी नहीं करना बीच में दोस्तों से बात करना चाहिए थोड़ा बाहर निकलो घूम लो कॉन्टिन्यूस पंद्रह घंटे सोलह घंटे पढ़ने से भी दिक्कत हो, जा, हो जाती है तो ये चीजें आप लेकर आइए आपको मतलब ये चीज नॉर्मल है और ये स्ट्रेस को मैनेज करने का सिर्फ यही तरीका है और आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है आपको तो कम हो रहा है मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे तो धक 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 पता नहीं कहाँ कहाँ उस टाइम पर होता था जब इंटर में था मैं और बहुत डर आपका तो सिर्फ सीएमए का एग्जाम है मेरा सीएमए सीए और सी तीनों के एग्जाम साथ होते थे मैंने तीनों डिग्री एक साथ में किया था बट सी का फिर क्या हुआ कि लास्ट ग्रुप बचा हुआ था और उसके पहले मेरा प्लेसमेंट हो गया जॉब में चला गया तो फिर उसका एग्जाम लास्ट ग्रुप का नहीं दिया अरब मैंने स्ट्रेस झेलना इसी से शुरू किया सीखा सीखना कि कैसे झेलना है मैंने एक्सपेक्टेशन को दिमाग से निकाल दिया फेल होऊंगा ना कोई बात नहीं आगे बार फिर से भी दूंगा यार लाइफ थोड़े खत्म हो जाएगी छह महीने थोड़े आपको सौ साल जीना है बदमाश है ना थोड़ा सा योगा कर लेंगे थोड़ा सा और दो साल और जिंदगी बढ़ जाएगी छह महीने खराब होने तो क्या जाता है तो लाइफ में ऐसे लेके चलिए रिलैक्स जितना रहोगे उतना आगे बढ़ोगे सब फालतू चीजें खत्म हो जाएंगे थैंक यू सर तब टेंशन थोड़ा कम हो जाता है पता नहीं कब नंदन ने बोला कब टेंशन खत्म हो जाता है थ्योरी अच्छे से नहीं हुआ है जग माया कहते हैं थ्योरी करो ना बच्चे जितना कर सकते हो आप बताए ना अभी तो सबसे बड़ी चीज मैंने रुद्राक्ष को बता दिया ज्यादा सोचना बंद करो जितना आपने पढ़ाई कर लिया उसी को स्ट्रेंथ बनाइए उसी पे एग्जाम दीजिए और मैं इस बार पास करने फेल करने नहीं जा रहा ऐ जा रही हूं मैं जा रहा हूं बस अच्छे से एग्जाम को देने के लिए कूल कीजिए दिमाग को आप इंजॉय करेंगे युवराज ठाकुर

उनको डाउनलोड करके आपने उसको संभाल कर रख लो एग्जाम के टाइम पे थ्री <laughs> आवर्स में कंप्लीट सीएफ्र का रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट सीएफ्र का सिर्फ नोट से आपको वीडियो भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी आपको नोट्स <laughs> में हर एक चीज को मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग में बेसिक आपका दिमाग रिकॉल कराने के लिए मैंने काम किया फिर आगे फिर आगे और उसके बाद <laughs> अपना काम कीजिए जिंदा कर अपने नोट से वो सब एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल उस समय तो हाथ से कुछ प्रैक्टिस करते नहीं है मैं तो खास करता था। उस क्या जी? अगर लगता है कि यार मुझे मान लो इंडेक्स संडे टेन है तो मैंने क्या किया फटाफट ऐसे किया जी अच्छा गुडविल गुडविल यहाँ लिखूंगा बस ऐसे ये देखो मैं लिख भी नहीं रहा गुडविल यहाँ पे आएगा आपका उनका पीपी है उसको ऐसे लिखना है

बताया बच्चे मैं ये चीज़ ना कभी मैंने देखा ना कभी बोलता हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम सी एफ आर के पेपर हो ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एनी क्वेश्चन में भी आज फ्रॉम एनी इंडेस डू नॉट गो फॉर दिस इंडेस और दैट इंडेस की यार ये इम्पोर्टेंट है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता इवन ए क्वेश्चन में कम फ्रॉम द लेस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक न्यू एग्जाम तो आप क्यों उसके बारे में भी सोच लो आप गो फ्र विथिंग ना वट एवर यू है आपको वो वो गलत एडवाइस भी होगा आपका थिंकिंग भी क्या इसको ज्यादा इंपोर्टेंस दे दो ऐसा नहीं करना मैंने बताया कि सेक्शन ई एंड डी वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द थ्योरी पार्ट यू विल गेट एटलीस्ट दार्स टू मार्क्स फ्रॉम दैट ई एंड एंड एफ सेक्शन सी डी इक्वल ट्वेंटी फाइव मार्क्स किसको छोड़ोगे आप सेक्शन ए में से आपका तीस से बत्तीस नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो नहीं है आप आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ पढ़ा हुआ है रिविजन पे जाइए एनफ है आपके पास uh, छह से आठ घंटा

और कोई सवाल किसी के पास है सर ये नोट्स जून 2025 को भी यूजफुल होता है ना हाँ जी सुषमिता आपका आगे कोई अभी चेंज होने वाला नहीं है तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए देखो नंदन चौधरी कितने अच्छी बात कर रहा है एक महीने एग्जाम से पहले और मोबाइल यूज करना बहुत कम कर देना चाहिए तब टेंशन थोड़ा कम हो जाता है नंदन बिल्कुल सही बता रहा है ये बहुत बड़ी बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी एनी वे हेलो हेलो सर 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 जी बच्चे कौन sir, मुझे ना सर सेक्शन डी का नॉर्मली डाउट है सर मैं बाद में ओके सर okay, और एक बात सर मैंने सर सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों को अच्छे से कर लिया है सर उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ एंड गुडविल किया हुँ. और सेक्शन क्या है sir. Sir, और जितना आपने पढ़ लिया सेक्शन ए में सेक्शन ए अपने में बहुत वास्ट है और कोई एक इंडिया को पढ़ने के चक्कर में बाकी जो पढ़ चुके उसका रिविजन खराब नहीं करना है तो आपने जितना पढ़ाई कर लिया उसी पर फोकस कीजिए ऐसे लाइफ में आगे हमेशा गोल बनाना

अरे पहले बदमाश हाथ रेज क्यों नहीं कर देता आप ही के लिए बैठा हुआ तो बता रहा ना उसका नाम पुकारूंगा, फिर बोलना शुरू कर देगा बताइए बताइए हाथ रेज ये नहीं बदमाश वहां पे आपका जो कंप्यूटर जूम होगा ना वहां पर हाथ रेज करने का कहीं ऑप्शन होगा बट एनी बताइए आपका नाम बड़ा है, मुझे अच्छा लग रहा है जोमी टू टू जीरो वन 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 सेवन एस आई बहुत प्यारा नाम है किसने रखा नाम आपका किसने रखा इतना प्यारा नाम हाँ जी आप ही से बोल रहा हूँ जिसने हाथ रेज किया था अच्छा बताइए लड़का ये कैसे बता सकते हो बच्चे में कितने मार्क्स का आएगा इसका कहना मुश्किल है बट सेक्शन सी और डी से ट्वेंटी से ट्वेंटी फोर मार्क्स तक के क्वेश्चन में देख सकते है ठीक है ना आपने पूरी तैयारी की है ना सर इसके अलावा पूरा किया किया आप ही ही के बैच से जो भी किया चलिए कोई बात नहीं है अभी इनका जो फास्ट ट्रैक है रिविजन है उनको भी कीजिए पेपर आपका जाएगा ठीक है आरती कहते सर आपके अमृत की बहुत जरूरत है एनर्जी बूस्ट करने के लिए इस टाइम अमृत तो भगवान ने मुझे दिया बदमाश आपको तो पढ़ के पास होना है उसके बाद तो अमृत बहुत सारे मिलेंगे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट में इतने सारे कंपनियां आ रही हैं आपको पता है इस पर हाइफ पैकेज कितना गया है किसी को आइडिया है पैकेज इस पर का प्लेसमेंट में 26 26 नहीं बच्चे नहीं यही तो दिक्कत है क्योंकि आपको वही न्यूज दिखता है जो सोशल मीडिया में होता है एक्चुअली एक लड़की है पुणे की उसका अभी प्लेसमेंट हुआ है हाल फिलहाल में थर्टी टू पॉइंट एट लैक्स के ऊपर में थर्टी टू पॉइंट एट सी बोलने वाला था बट एक्चुअली लैक्स आपका है तो थर्टी टू पॉइंट एट में यानी थर्टी थ्री मान लीजिए के ऊपर में प्लेसमेंट हुआ है और अभी छब्बीस सताईस नई कंपनी के साथ हमारे इंस्टीट्यूट ने एमओ साइन किया हुआ है आप देखेंगे कि आपका जो प्लेसमेंट होगा उसमें और भी अच्छी चीज आपको दिखाई देंगे तो मोटिवेशन हाई रखिए तो नाम के साथ जुड़ने के बाद क्या मजा आने वाला मैं कैसे बताऊं आपको फील करेंगे आप लोग ठीक है ना बच्चे ये नंदन चौधरी चौंदर, चौधरी का पीछे में चंद्रमा लाया भाई नंदन ये ये अंतरिक्ष में बैठा हुआ क्या पीछे का चंद्रमा है, नहीं सर। नो नहीं सर। सर। है सर। <laughs> मुझे लगा की आप कुछ <laughs> अच्छा सा कहीं चंद्रमा पे चले गए कॉमर्स में कर देते, देते। <laughs> नो सर, से आप... कर लगाना है सर। <laughs> अच्छा लग रहा है पीछे का बैकग्राउंड नहीं लगाना हमने हमें सीएमए अपने नाम के साथ लगाना है ना जी सर सर मैटर करते हैं आज तो कुछ भी मैटर नहीं करता बदमाश पांच दिन में क्या मैटर करेगा <laughs> क्या हो गया आप लोगों को क्यों उल्टी फिरी बातें आप लोग सोचते हो मैं बार बार कहता हूं कि ये फालतू की बातें सोचना बंद कीजिए जो प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए आज पांच दिन जो है हम उसके बारे में सोचेंगे छठा दिन हमारा एग्जाम है हम उसके बारे में सोचेंगे उसके बाद हम क्यों सोचेंगे अटेम्प्ट मैटर करता तो भी ठीक है नहीं मैटर करता तो भी ठीक है सेल कराम सुने? ,00 का नाम सुना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तेईस लाख का पैकेज मिला ग्रुप को निकालने में दो बार समय निकाला मतलब दो बार फेल किया थर्ड ग्रुप निकाला तीन बार फेल किया चौथा ग्रुप निकाला तब भी उसको पैकेज मिला अब ये क्यों कहानी सुना रहा हूँ क्या रीजन है उसके पीछे बहुत चीजें होती हैं तो आप बस यही समझ लो कि

फास्ट ट्रैक के लिए आप फास्ट्रैक में जो चीज आप रिवीजन ही कर रहे हैं तो जिन -जिन है। जो स्टार्टिंग में नहीं।, नहीं हो सकता बाद में होता है, तो देखना है, देखना है। इंडेक्स ट्वेल्व तो जरूर देखना है क्योंकि इंडेस ट्वेल्व में जो मैंने रिविजन कराया हुआ है उसमें सारे जितने भी चैप्टर से क्लब क्वेश्चन बन सकता है उन सबको मैंने वहां करा दिया है वो तो देखना है देखना है ठीक है चलो बच्चे अब अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप जरूर आप लोग सी में बनेंगे और मुझे विश्वास है कि इसी बार बनने वाले हैं ये मैं सोचता हूँ बट अभी आपको नहीं सोचना है आप पांच दिन के बाद सोचेंगे एग्जाम देने के बाद अभी सिर्फ फोकस आपका क्या होगा एग्जाम के ऊपर में पेपर हमें अच्छा देना है एक पेपर दिया उसके बारे में कल बात नहीं करेंगे एग्जाम के बाद बात करेंगे दूसरा पेपर देंगे एग्जाम के बाद बात करेंगे एक बात संतोष सर का याद रखना कि अगर कोई पेपर ऐसा होगा नहीं बट अगर कोई पेपर खराब जाता भी है उसमें भी आप पास हो जाते हैं लेकिन उसके टेंशन के चलते उसमें क्या मार्क्स आएंगे अगला पेपर खराब हो जाता तो उसमें आप फेल हो जाते हैं वो नहीं होने देना आपको कूल रहिए प्रोफेशनल कोर्स है लाइफ में चलते रहता है लेकिन आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना जो सपने उसको जरूर पूरा करेंगे आप सबको ऑल द बेस्ट इनकेस कुछ डाउट कोई परेशानी तो डाउट सेशन टाइम में मुझसे बात कीजिए जरूर आपसे बात करूंगा हाँ जी अरिंदम जरूर बताऊंगा आपको उसके बारे में चलिए ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट आगे बढ़िए आप लोग थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू